अब आगे हम डिस्कस करेंगे 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज अवार्ड। इस अवार्ड को सम्मानित किया गया है किसे? कृतिका पांडे को। किन्हें सम्मानित किया गया है? कृतिका पांडे को। इन्हें किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? रीजनल विनर के साथ साथ, एशिया के रीजनल विनर के साथ साथ ओरिजिनल विनर का भी टाइटल से इन्हें सम्मानित किया गया है। इनकी स्टोरी का टाइटल क्या है? द ग्रेट इंडियन टी एन स्नैक्स, स्नैक्स, द ग्रेट इंडियन टी एन स्नैक्स। ये स्टोरी किसके बारे में है? अबाउट अ हिंदू गर्ल फॉलिंग इन लव विथ अ मुस्लिम मैन। किसके बारे में है ये स्टोरी? हिंदू गर्ल फॉलिंग इन लव विथ अ मुस्लिम मैन। इनकी जो स्टोरी का टाइटल है वो क्या है? द ग्रेट इंडियन टी एन स्नैक्स। अब हम इनके नाम को याद करने का ट्रिक समझते हैं। अब हम पहले इसके वर्ड्स देखते हैं, क्या क्या वर्ड्स हैं इसमें कॉमन जिसके थ्रू हम इसको याद कर सकते हैं। वेल्थ, इनमें कृतिका का हम टीका ले सकते हैं, पांडे का क्या ले लीजिए? डे ले लीजिए। तो कॉमन से क्या निकला हमारा? काम। तो जब आप काम करते हैं कोई भी, जिसके लिए आपको क्या मिलता है? वेल्थ मिलता है। क्या मिलता है? कोई पैसा मिलता है या क्या मिलता है? वेल्थ मिलता है। तो हमारे चाहे वो छोटा काम ही क्यों ना हो, किसके लिए? छोटे दिन के लिए भी क्यों ना हो। डे मीन्स दिन, डे ले लीजिए। छोटे दिन आपको शॉर्ट पीरियड के लिए ही क्यों ना करना हो, तो कोई भी काम जिसके लिए आपको वेल्थ मिल रहा है, इवन फॉर अ शॉर्ट डे आप उस वर्क को कर रहे हैं, तो आपके घर वाले क्या करते हैं? टीका लगा के भेजते हैं, आरती उतारते हैं, टीका लगाते हैं, दही चीनी खिलाते हैं। तो क्या हुआ, हम टीका वर्ड लिए इसमें से। कोई भी काम कर रहे हैं जिसके लिए आपको क्या मिल रहा है? पैसे मिल रहे हैं, इवन फॉर अ शॉर्ट डे, तो आपके घर वाले क्या करते हैं? टीका लगाते हैं। तो टीका से हमें क्या मिला? कृतिका। डे से हमें क्या मिला? पांडे। एंड कॉमन से काम, वेल्थ से पैसा, एंड फॉर दिस शॉर्ट से, शॉर्ट डे से हमें मिल गया डे। तो कॉमन वेल्थ शॉर्ट स्टोरी से हमें नाम मिल गया कृतिका पांडे। कोई भी काम करने के लिए जिसे आप पैसे मिल रहे हैं, इवन फॉर अ शॉर्ट डे आप कोई काम कर रहे हैं, तो उसके घर वाले आपके लिए क्या करते हैं? टीका लगाते हैं। तो एक प्रॉपर वर्ड निकल के आ गया हमारा, कृतिका पांडे। नेक्स्ट इन द रो है वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020। इनके जो अवार्डी रहे हैं वो है सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी, सीड्स। किन्हें सम्मानित किया गया है? सीड्स को सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। ये कौन प्रोवाइड करता है, कन्फर करता है इस अवार्ड को? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कन्फर करती है वर्ल्ड नो टोबैको डे 2020 अवार्ड से। ऑन किसको अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सीड्स को सम्मानित किया गया है। सीड्स ने क्या काम किया है? टोबैको कंट्रोल का काम किया है। किन दो स्टेट्स में? बिहार एंड झारखंड। अब हम पहले एक बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं। वर्ल्ड नो टोबैको डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? मे 31st को सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है और या फिर इंडिविजुअल किसी भी रीजन में कोई कंट्रीब्यूशन दिया हो किसमें? टोबैको कंट्रोल में, तो उन्हें ये सम्मानित करते हैं। इस बार किन्हें सम्मानित किया गया है? सीड्स को सम्मानित किया गया है। सीड्स ने क्या किया है? बिहार और झारखंड में टोबैको कंट्रोल का काम किया है, जैसे कि पैन मसाला, गुटखा, ई सिगरेट्स, हुक्का, इन सब पे बैन लगाने का काम करवाया है। तो अब हम इनके नाम को याद करने का ट्रिक समझते हैं। टोबैको किससे बनता है? प्लांट से बनाते हैं। प्लांट्स किससे बनते हैं? सीड से बनते हैं। तो सीड से क्या मिल गया हमें? टोबैको। तो हम ये नाम से इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं, सीड्स को। तो ये हम इसके थ्रू इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। टोबैको इज इक्वल्स टू सीड। सीड से क्या मिलता है हमें? टोबैको। नेक्स्ट इन द रो है न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन निपला इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द ईयर 2020। इसके जो अवार्डी रहे हैं वो है राजीव जोशी। ये एक इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, IBM साइंटिस्ट है, जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में? एडवांस दी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। और क्या इम्प्रूव किया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज पर इन्होंने वर्क किया, इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। अब निपला क्या रिकॉग्नाइज करती है, किन के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करती है? जो ऐसे कुछ इन्वेंशन करते हैं जो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। अब हम इनके नाम को याद करते हैं।
तो इनके नाम से ही हम ट्रिक निकालते हैं। राजीव जोशी से बना हमारा आरजे, फर्स्ट वर्ड ऑफ राजीव एंड फर्स्ट वर्ड ऑफ जोशी, फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ राजीव एंड फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ जोशी। तो आरजे का काम क्या होता है? नए नए तरीकों से लोगों से बात करना, उनको एंटरटेन करना होता है। तो वो कैसे तरीके निकालते हैं, कैसे तरीके इन्वेंट करते हैं? इलेक्ट्रॉनिकली बात करते हैं वो, कैसे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, चाहे वो फोन हो, सोशल मीडिया हो, मेल हो, इनके थ्रू आप वो लोगों से अपनी बातें कन्वे करते हैं। तो आरजे का काम क्या होता है? इन्वेंट करने का, क्या? एंटरटेनमेंट के तरीके इन्वेंट करने का। कैसे इन्वेंट करेंगे? वो इलेक्ट्रॉनिकली इन्वेंट करते हैं, बात करके। कैसे? फोन के थ्रू, सोशल मीडिया, मेल, इन मैसेजेस, इन सब के थ्रू। तो राजीव जोशी का भी कंट्रीब्यूशन किस चीज़ के लिए रहा है? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए कंट्रीब्यूशन रहा है, और क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करने का भी रहा है। और आरजे का भी काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिकली अपने लोगों से बात करने का काम होता है, उनको एंटरटेन करने का होता है। तो हम आरजे से ले सकते हैं राजीव जोशी। एंड किस चीज़ के लिए उनको अवार्ड दिया गया? इन्वेंशन, इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। बेसिकली किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज में इंप्रूवमेंट और एडवांसमेंट लाने के लिए। नेक्स्ट इन द रो है एबल प्राइज 2024 मैथमेटिक्स। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। इसके लिए आपको पहले तो ये याद रखना पड़ेगा कि एबल प्राइज किसके लिए दिया जाता है? मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है। एबल प्राइज किसके लिए दिया जाता है? मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है। इस बार के जो विनर रहे हैं वो है हिलल फ्रस्टनबर्ग एंड ग्रेगरी मार्गुलिस। हिलल फ्रिस्टनबर्ग एंड ग्रेगरी मार्गुलिस। सबसे पहले हम इनके नाम को याद करने का ट्रिक समझते हैं, बिकॉज ये दो नाम याद करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जब मैथ्स बनाते हैं तो आपको कैसा लगता है कि काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं मैथ्स के प्रॉब्लम्स? तो लगता है ना कि हिल चढ़ रहे हैं, चोटी चढ़ रहे हैं हम। तो हिलल का क्या निकला हमारा? हिल निकला। और जब हिल चढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं? रेस्ट लेते हैं। आप मैथ भी सॉल्व करते हैं तो आप क्या करते हैं? रेस्ट ले लेके सॉल्व करते हैं, आप अपने दिमाग को रिलैक्सेशन देते हैं। तो आप मैथ्स बनाते समय भी क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं। और उस वो बनाते हैं तो आपको क्या लगता है कि मैं हिल चढ़ रहा हूँ, मैं कोई चोटी पार कर रहा हूँ। और जब आप हिल चढ़ते हैं तो आप क्या ढूंढते हैं? डिफरेंट पाथ ढूंढते हैं, मार्ग ढूंढते हैं कि मैं किस मार्ग से जल्दी पहुंचूंगा। तो मार्ग से हमें क्या मिल गया? मार्गुलिस। तो हिल चढ़ते समय आप क्या करते हैं? रेस्ट लेते हैं। तो हिलल फ्रस्टनबर्ग। हिल एंड रेस्ट से क्या मिला आपका? हिलल फ्रस्टनबर्ग। एंड मार्ग से आपको क्या मिल गया? मार्गुलिस। मार्ग क्या होता है? पाथ ढूंढते हैं आप कोई भी काम करने के लिए। आप मैथ्स भी सॉल्व करते हैं तो आप क्या डिफरेंट पाथ देखते हैं कि किस तरीके से मैं किसी सम को जल्दी सॉल्व करूं। तो आपको क्या ढूंढते हैं? मार्ग से क्या होता है? पाथ निकला। मार्ग इज पाथ एंड मार्ग इज मार्गुलिस। तो हिलल फ्रस्टनबर्ग, हिल एंड रेस्ट, एंड मार्ग इज मार्गुलिस। इन्हें किस पे इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? प्रोबेबिलिटी के मेथड्स का यूज किया है इन्होंने, एंड डायनेमिक्स इन ग्रुप थ्योरी, नंबर थ्योरी एंड कॉम्बिनेटोरिक्स। आप पहले इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन भी लीजिए। एबल प्राइज कब से स्टार्ट किया गया है? 2003 से स्टार्ट किया गया है। किनके नाम से ये स्टार्ट किया गया था? निल हेनरिक एबल के नाम से। ये क्या है? ये एक नॉर्वेजियन मैथमेटिशियन थे, नॉर्वेजियन मैथमेटिशियन। अब आगे जो अवार्ड है इन द रो इज वर्ल्ड फूड प्राइज 2020। इनके जो विनर रहे हैं वो है इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट रतन लाल। इन्हें किस लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उनके सॉइल सेंट्रिक अप्रोच के लिए। ये सॉइल सेंट्रिक अप्रोच का इनसे फ़ायदा क्या होगा? ये क्या करेगा? फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगा, उन्हें रिस्टोर करने में, उन्हें कंजर्व करने में, नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने में मदद करेगा, और क्लाइमेट चेंज में हमें हेल्प करेगा। तो जिसके लिए उन्हें किस प्राइज से सम्मानित किया गया है? वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड फूड प्राइज किस लिए वर्क करते हैं? ये उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं अचीवमेंट्स को जो क्वांटिटी, क्वालिटी या फूड अवेलेबिलिटी को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। ये सारे फील्ड्स कवर करते हैं, चाहे वो प्लांट फील्ड में हो या एनिमल फील्ड में हो। प्लांट, एनिमल, सॉइल साइंस, फूड साइंस,
टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन, रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट एंड मेनी मोर। इनका जो अमाउंट है जो इन्हें प्राइस के रूप में मिलता है वो है 2,50,000 US डॉलर, प्लस इन्हें स्कल्पचर दिया जाता है। जो कौन डिज़ाइन करते हैं, नोटेड आर्टिस्ट एंड डिज़ाइनर हैं, जिनका नाम क्या है, सॉल बैस। क्या नाम है उनका, सॉल बैस। क्या मिलता है अमाउंट के साथ, क्या मिलता है इन्हें, एक स्कल्पचर मिलता है। जो कौन डिज़ाइन करता है, सॉल बैस डिज़ाइन करते हैं। ये कब प्रेजेंट किया जाता है, 16 अक्टूबर को प्रेजेंट किया जाता है। किस दिन, वर्ल्ड फूड डे, इस दिन मनाया जाता है। और इंडिया के जो फर्स्ट रेसिपेंट थे इस अवार्ड के, उनका नाम क्या है, एम एस स्वामीनाथन। कौन थे ये, थे फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रिवोल्यूशन। इन्हें क्या, किस नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रिवोल्यूशन। किन्हें, एम एस स्वामीनाथन को। इन्हें सबसे, ये सबसे पहले रेसिपिएंट थे जिन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये स्टार्ट कब हुआ है वर्ल्ड फूड प्राइज, 1986 में। अब हम इनके नाम को याद करने का ट्रिक समझते हैं। हमारे पास क्या वर्ड है, फूड ले सकते हैं इसमें कॉमन, एंड इसमें क्या लेंगे हम, रतन लाल को कैसे समझेंगे, आप ये समझिए। रतन क्या होता है, प्रीशियस या ज्वेल को बोला जाता है। रत्न क्या होते हैं, ज्वेल होते हैं। कैसे होते हैं, वो बहुत महंगे होते हैं, महंगे मतलब बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। क्या होते हैं रतन, क्या होता है, ज्वेल होता है, बहुत एक्सपेंसिव या महंगे। लाल से हम क्या निकाल सकते हैं, अब हम फूड के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम किसे कंसिडर करेंगे, कोई रेड कलर का कोई फूड को कंसिडर करेंगे। रेड फूड से आपके दिमाग में क्या आता है, टोमेटो आ सकता है, टमाटर। तो टोमेटो क्या हुआ था, एक समय काफ़ी महंगा हो गया था, काफ़ी एक्सपेंसिव बिक रहा था। तो रतन से आप क्या निकाले, ज्वेल। फूड से ने आपने क्या रिलेट कर लिया, टोमेटो। टोमेटो किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है, लाल कलर का होता है, जो काफ़ी क्या था, एक्सपेंसिव था। तो वर्ल्ड फूड प्राइस किसे मिला है, रतन लाल को। रतन इज ज्वेल, क्वाइट एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव क्या था, फूड था। फूड क्या था, हमने क्या कंसिडर किया फूड को, लाल कलर का जो होता है वो है टोमेटो। तो हम इस ट्रिक से किसे याद कर सकते हैं, रतन लाल को।